भीलवाड़ा से सुभाष बहेड़िया ने करीब 1 लाख वोटों की बढ़त बना ली है। अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी 3 सीटों पर आगे चल रही है। सिक्किम में 1 सीट पर अन्य उम्मीदवार आगे हैं। ओडिशा में बीजेडी 16 सीटों पर आगे, बीजेपी 3 व कांग्रेस 2 सीटों पर इस समय आगे चल रही है। अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी 3 सीटों पर आगे चल रही है। सिक्किम में 1 सीट पर अन्य उम्मीदवार आगे है। ओडिशा में बीजेडी 16 सीटों पर आगे है। चित्तौड़गढ़ से सीपी जोशी 62,000 वोटों से इस समय आगे चल रहे हैं। झालावाड़ से दुष्यंत सिंह करीब 22,000 वोटों से इस समय आगे चल रहे हैं। टोंक से सुखबीर सिंह जौनपुरिया आगे चल रहे हैं। दौसा से भाजपा प्रत्याशी जसकौर मीणा भी आगे चल रही हैं। राजसमंद से बीजेपी प्रत्याशी दिया कुमारी आगे चल रही हैं। उदयपुर में भाजपा के अर्जुनलाल मीणा आगे हैं। कोटा से भाजपा प्रत्याशी ओम बिरला भी इस समय आगे चल रहे हैं। झालावाड़ 12 से भाजपा प्रत्याशी दुष्यंत सिंह आगे चल रहे हैं। लगातार एक तरफा यह मामला दिखाई दे रहा है। जैसलमेर से भाजपा प्रत्याशी कैलाश चौधरी आगे चल रहे हैं। हैदराबाद में ओवैसी पीछे चल रहे हैं, ये भी खबर है। गांधीनगर से लगातार अमित शाह आगे चल रहे हैं। बहुत अच्छी खासी वोटों की लीड उन्होंने ले रखी है। वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे चल रहे हैं। वायनाड से राहुल गांधी आगे चल रहे हैं। रायबरेली से सोनिया गांधी आगे चल रही हैं। चलिए हम आपको पल पल के नतीजे बता रहे हैं, रुझान बता रहे हैं। अब एक बार हमारे संवाददाता दिनेश कसाना से बात करते हैं, जो इस समय प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मौजूद हैं।